रात का समय था, घर के अंदर दीप जल रहा था। मंद प्रकाश के नीचे एक 7-8 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा था। माँ उसके बाजू में ही बैठी थी, माँ उसे सिखा रही थी। माँ ने उससे प्रश्न किया कि एक व्यापारी 1 रुपए के भाव से एक बोतल, ऐसी 12 औषधि बोतलें लेता है और खरीद कर वह 1 रुपए की बोतल 3 रुपए में बेचता है। 1 रुपए की बोतल 3 रुपए में बेचता है तो उसे कितना लाभ हुआ? 1-2 मिनट सोचकर बच्चा बोलता है कि माँ वह कौन सी औषधि थी? माँ ने बोला, उससे तुझे क्या लेना देना है, सीधे सीधे उत्तर बताओ। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, उसमें ही उत्तर है, मुझे आप बताओ कि कौन सी औषधि थी। माँ ने कहा, सोच लो, कोई जान बचाने वाली औषधि। बच्चा झट से उठा और माँ से कहने लगा, उत्तर दूँ? माँ ने कहा, दो। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि वह जो व्यापारी है उसको 12 बेत मारने चाहिए। माँ उसे देखकर स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा, यह क्या उत्तर हुआ? बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ माँ, अगर जान बचाने वाली औषधि वह इतना लाभ लेकर बेच रहा है तो गरीब उसे कैसे खरीदेगा? उस व्यापारी को बेत मारना ही उचित होगा, ऐसा उस बच्चे का उत्तर था। यह विचित्र उत्तर देने वाले बच्चे का नाम राजू था। आगे जाकर यह अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आंध्र प्रदेश के नरसापुर जिले के एक मोगलू नामक गांव में उसका जन्म हुआ। उसकी जन्म की तारीख 4 जुलाई 1897। ऐसे सन्यासी, ऐसे क्रांतिकारक के बारे में आज हम सुनने वाले हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में सुनने वाले हैं, जिसकी वजह से आज भी हम उसे याद कर रहे हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो पहली जो उनकी क्वालिटी है वो है, शाम का समय था, मंद शीतल हवा बह रही थी। राजू अपने पिता के साथ टहलने गया था, तभी अचानक घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई थी। वह ध्वनि सुनकर सबका ध्यान उस तरफ गया। घोड़े पर अंग्रेजी अधिकार सवार थे। उनके चमकते लाल कपड़े, चमकता पट्टा और तुरे वाली हैट देखकर वहां बच्चे उन्हें सलाम सलाम कहने लग गए। राजू भी उत्साह में आकर उनके सामने जा खड़ा हुआ और सलाम कहने लगा। उतने में ही पिताजी ने उसको देखा और उसके गाल पर एक के बाद एक थप्पड़ पड़ने लग गया। राजू रोते हुए अपने पिता के पास देख रहा था। राजू के पिता उसे क्रोधित होकर बोल रहे थे कि मूर्ख, किसी विदेशी आदमी के सामने सिर झुकाते हो, शर्म नहीं आती? खबरदार, अभी फिर से कभी ऐसा किया तो। राजू रोते रोते हुए कहने लगा कि पिताजी, फिर ऐसा नहीं करूँगा। अपने ही बच्चे को इतनी कठोर शिक्षा, स्वयं वेंकटराम राजू जो राजू के पिता थे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बाहुओं में उसको समेट कर कहा कि किसी शत्रु के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाना, सीना तान के और सर ऊपर कर रौब में उनके सामने कभी भी चलना चाहिए। अगर सिर झुकाना ही है तो हमारी भारत माता के सामने सिर झुकाना। यह जो सीख राजू को मिली वह उसने अपने मरते दम तक कभी नहीं भुलाई। दूसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, कुछ सालों बाद राजू सन्यासी हुए और कृष्णदेव पीठ के पास मान्यम नाम का एक प्रदेश था, वहाँ वह स्थित हुए। वहाँ के वनवासी कोयर लोग उनके दर्शन के लिए आते। कोयर लोगों को उनके काम के पैसे नहीं मिलते, इसीलिए उसका दुख वह राजू के पास व्यक्त करते। राजू उन्हें हर बार बोलता कि गुलाम देश में लोगों को और क्या मिलने वाला है, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना यही इस पर उपाय है। अपने गुरु का नया रूप देखकर कोयर लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, सिर्फ हमें स्वातंत्र प्राप्त करना है। और फिर शुरुआत हुई क्रांति की। राजू के सेना में धनुष्यबाण, भाले, बर्छी ऐसे सब हथियार थे, लेकिन पुलिस के बंदूक पिस्तौल के आगे वह कब तक टिकने वाले थे? इसीलिए पुलिस के थाने पर हमला कर वहाँ से हथियार लूटने का विचार और एक ही मार्ग उनके पास था। राजू की सेना तैयार थी। 22 अगस्त 1922 को राजू की सेना ने चिंतपल्ली पुलिस थाने पर हमला किया। भगवाधारी राजू आंधी की तरह थाने के अंदर गया। उसे देख सब वहाँ घबरा गए।
और उन्होंने सरेंडर कर दिया। राजू जब थाने से बाहर आया तब उनके पास 11 बंदूकें, 1290 राउंड कारतूस, 5 तलवारें और 11 बायोनेट थे। दूसरे दिन पूर्व सूचना देकर राजू ने कृष्ण देवपीठ के थाने पर धावा बोल दिया। पूर्व सूचना थी इसीलिए वहाँ के सब पुलिस भाग गए और उन्हें बिना किसी मेहनत के वहाँ सब हथियार मिल गए। समाचार पत्र ने मान्यम क्रांति के रूप में राजू की प्रशंसा की। राजू ने बाद में ऐसे बहुत से हमले किए और उसकी सेना जो है वह तैयार की। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है वो है, कुछ महीनों बाद राजू को धोखे से पकड़कर पेड़ से बांधा गया। राजू चिल्लाने लगा, राक्षसों मुझे मारने वाले तुम कौन होते हो? तुम एक राजू को नष्ट करोगे लेकिन मेरी भारत माता बांझ नहीं, उसने कई रत्नों को जन्म दिया है। तलवार का जवाब तलवार से मिलेगा। अंत में तुम्हें हमारी पवित्र मातृभूमि को छोड़ना होगा, मेरा भारत स्वतंत्र होगा। और जोर से उन्होंने घोषणा दी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड़ाल नाम का जो अधिकारी था उसने फायर की आज्ञा दी और गोली निकलकर सीधे स्वतंत्र प्रेमी राजू के हृदय से भिड़ गई। राजू की आत्मा अनंत में विलीन हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि राजू अगर किसी और देश में पैदा हुआ होता तो उसका बहुत अधिक गौरव होता। राजू और उनके वनवासी सहकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके बाद कई देशभक्तों ने एक के बाद एक अंग्रेज़ों पर वार किया और आखिरकार अंग्रेज़ों को हमारी मातृभूमि, हमारी देवभूमि को छोड़ना पड़ा। भारत छोड़कर उनको जाना पड़ा, हिंदुस्तान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। हमारी मातृभूमि स्वतंत्र हुई। तब इस वीर का चरित्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन आज तो हम एक क्लिक से सबको यह शेयर कर सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लूरी सीताराम राजू को मैं वंदन करता हूँ और आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी वीर की गाथा सुनने। तब तक के लिए भारत माता की जय।